नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन चार नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो चार नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है पाकिस्तान, दूसरा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तीसरे हैं भगवंत मान, चौथे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपके दिल को दहला कर रख देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। यूं तो पाकिस्तान से हमेशा ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आती हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो बेहद गंभीर है और आपको झकझोर कर रख देगा। पाकिस्तान के कराची से बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नमाज न पढ़ने पर मोहम्मद सोहेल नाम के 24 साल के बेटे को उसके ही पिता ने बेरहमी से मार डाला। ये घटना गुलिस्तान जौहर इलाके की बताई जा रही है। हत्यारे पिता का नाम हाजी मोहम्मद सैयद है। दरअसल जब हाजी मोहम्मद फज्र की नमाज से लौटा तो उसने अपने बेटे को सोता हुआ पाया। इसके बाद सैयद ने बिना कुछ कहे सोहेल पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी पिता ने दावा किया कि उसने सोहेल सहित अपने सभी बच्चों को समय पर नमाज अदा करने के लिए बार बार चेताया था, लेकिन सोहेल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात से आक्रोशित सैयद ने अपना आपा खो दिया और अपने ही बेटे की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मौका वारदात से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक हथौड़ा और चाकू बरामद किया गया है। इसके बाद मोहम्मद सोहेल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में हाजी मोहम्मद सैयद के खिलाफ केस दर्ज किया है। आखिर ये पाकिस्तान का कैसा घिनौना सच है। पिता तो बच्चों की रक्षा करते हैं, फिर इस कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे को कैसे मौत के घाट उतार दिया। क्या इस संगीन अपराध को अंजाम देने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे, और बेटे की जिंदगी छीनने की वजह नमाज न पढ़ना। किस किस्म के कट्टरवादी सोच वाले लोग हैं वहां। नमाज न पढ़ने की इतनी बड़ी सजा आखिर कोई पिता कैसे अपने बेटे को दे सकता है। एक पिता होने के नाते वो अपने बच्चे को बार बार समझा सकता था, कोई और रास्ता निकाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने तो बेटे की सांसें ही छीन ली। सोते हुए अपने बेटे को उसने हमेशा के लिए सुला दिया। किस किस्म के घिनौने कट्टरवादी सोच वाले लोग भरे हैं पाकिस्तान में। अगली खबर में बात बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बीवी आलिया सिद्दीकी के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आलिया सिद्दीकी ने एक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर की बीवी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक महान एक्टर जो महान इंसान बनने की कोशिश किया करता है अक्सर, उसकी बेरहम माँ जो मेरे मासूम बच्चे को नाजायज बोलती है और ये घटिया आदमी चुप रहता है। पुलिस में इसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ भी हो जाए, इन बेरहम हाथों में अपने मासूम बच्चों को नहीं जाने दूंगी। आलिया वीडियो में रो रो कर अपना हाल बयां कर रही है। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आरोप लगाया है कि वो उनसे बच्चों को छीनना चाहते हैं। आलिया ने कहा, नवाज ने कोर्ट में एक केस डाला है जिसमें वो बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। नवाजुद्दीन पर आरोप लगाते हुए आलिया ने कहा, वो बच्चे मुझसे छीन के अपनी पावर से ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा बाप है। अच्छा बाप नहीं, वो बुजदिल बाप है जो एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम पैसों से कितने भी लोगों को खरीद लो, पर मेरे बच्चों को कभी नहीं छीन सकते मुझसे। आगे उन्होंने कहा, तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी माना है। मैं हमेशा इस धोखे में रही कि तुम भी मुझे अपनी पत्नी मानते हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें अपनी जवानी के दिन से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण साल दिए। उन्होंने कहा, अभी मैं 40 साल की हूँ, मैं पहले से ही आर्थिक नुकसान झेल रही हूँ। हर तरफ से तुमने मुझे कमजोर करके रखा है। यह आदमी कितना गिर चुका है, यह अपनी पावर के चलते बौखला गया है। मेरे बेटे को पिता के प्यार का पता भी नहीं है, लेकिन मुझे
कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। गौरतलब है कि नवाजुद्दीन और उनकी बीवी आलिया का पिछले लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। आलिया ने नवाजुद्दीन और उनकी मां पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया था। वहीं दूसरी ओर नवाजुद्दीन की मां ने भी आलिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आलिया का निकाह से पहले नाम अंजना किशोर पांडे था। उन्होंने नवाज से निकाह के लिए धर्मांतरण किया था। बाद में वो फिर अपना पुराना नाम इस्तेमाल करने लगी। अब बात पंजाब के सीएम भगवंत मान की। एक तरफ पंजाब खालिस्तानियों के चपेट में आ रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार भगवंत मान चैन की नींद सो रहे हैं। लगातार पंजाब में खालिस्तानियों का दहशत फैल रहा है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब का एक भयावह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसमें कुछ लोग तलवार से एक शख्स की उंगलियां काट रहे हैं। पीड़ित शख्स उनसे रहम की गुहार लगाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उन लोगों ने दया नहीं की। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कहने पर पंजाब के अजनाला थाने पर कब्जा करने और फिर पुलिस के जरिए अपनी बात मनवाने के बाद उसकी गिनती कुख्यात जनरल सिंह भिंडरांवाला के साथ होने लगी है। अमृतपाल ने कहा कि खालिस्तानी की भावना बनेगी और उसे दबाया नहीं जा सकता। वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार ने राजनीति शुरू कर दी। अजनाला थाने पर अमृतपाल के समर्थकों के कब्जे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की हर जगह आलोचना हो रही है। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम भगवंत मान पर भरोसा रखना चाहिए। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह की धमकियों के आगे पंजाब पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। अमृतसर के अजनाला थाने पर खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद मीडिया के सामने आए अमृतपाल सिंह ने पहले प्रशासन को एक घंटे में एफआईआर वापस लेने की धमकी दी थी। उसके बाद किडनैपिंग और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार लवप्रीत तूफान को छोड़ने के लिए 24 घंटों का वक्त भी दिया था। अमृतपाल सिंह की धमकियों के बाद पंजाब पुलिस का बयान आया। अमृतसर के एसएसपी और पुलिस कमिश्नर ने एक सुर में कहा कि उनको जो सबूत दिए गए हैं उससे साबित होता है कि लवप्रीत तूफान बेकसूर हैं और उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। कानून अब अपना काम करेगी। पंजाब की हालत बदतर होती जा रही है। लोगों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि सरकार पर भरोसा रखे, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ऐसी सुस्त है कि नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की, जिन्हें ओम प्रकाश राजभर ने जमकर लताड़ा है। यूपी के सियासत में इन दिनों भूचाल आ गया है। जातीय जनगणना का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को पूरे दम के साथ उठाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर अब सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 20 सालों से जातिवाद जनगणना के पक्ष में हैं। जब से सुभा सपा बनी है तब से इस बात को कहते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव खुद सत्ता में थे तब उनको इसके लिए मुहिम शुरू करनी चाहिए थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम पिछले 20 सालों से जब से हमारी पार्टी बनी है तभी से जातीय जनगणना की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। उन्होंने सपा की मांग पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब इनको जातीय जनगणना की बात गले से नीचे नहीं उतरी। जब ओम प्रकाश राजभर इसके लिए पूरे देश में आंदोलन करता था, जब सपा कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, बसपा सपा दोनों तब वहां से बजट ला करके तब इनको जातिवाद जनगणना कराने के लिए एक मुहिम शुरू करनी चाहिए थी, तब उनको उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे राजभर ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तब इसकी याद नहीं आती, लेकिन अब ये सत्ता के मद में व्याकुल भारत है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको याद आता है। बसपा सपा दोनों तब वहां से बजट ला करके तब इनको जातिवाद जनगणना कराने के लिए एक मुहिम शुरू करनी चाहिए थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे राजभर ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तब इसकी याद नहीं आती, लेकिन अब ये सत्ता के मद में व्याकुल हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको याद आता है।
फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।